भगवान विष्णु की माया अपरंपार है। अलग अलग युगों में पृथक पृथक नामों से प्रकट होकर इस धरा को धन्य करने वाले भगवान विष्णु को हमारा शत शत नमन। भारतवर्ष के चार दिशाओं में सुशोभित है विष्णु जी के चार धाम। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका धाम, उत्तर में बद्रीनाथ धाम एवं दक्षिण में रामेश्वरम धाम। सतयुग में बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग में श्री रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारिका धाम एवं कलयुग में जगन्नाथपुरी जी को प्रधानता दी गई है। भगवान के विभिन्न स्वरूपों की महिमा जानने तथा इनके दर्शन के लिए आइए हम सभी करें यात्रा चार धाम की। श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा कई चरणों में संपन्न होती है। आइए हम भी विष्णु जी के पावन धाम की यात्रा के लिए सर्वप्रथम हरिद्वार चलें। हरिद्वार अर्थात जिस स्थान से हरि मिलन का द्वार खुलता हो। हरिद्वार में कल कल बहती गंगा और गंगा तट पर बने अनेक देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन पूजन करना पुण्य फलदायक होता है। हर की पौड़ी पर स्नान करने से तन मन को शुद्धि प्राप्त होती है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस देवभूमि को नमन करते हुए अब हम बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। ऊंचे नीचे पर्वतीय रास्तों से चलकर सभी जोशी मठ पहुंचते हैं। जोशी मठ को भक्तगण ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। जोशी मठ और बद्रीनाथ के बीच स्थित है पांडुकेश्वर। यहाँ के मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ योग बद्री भगवान का प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ से बद्रीनाथ जी की डोली उठती है। डोली का मनभावन दृश्य देखना भी किस्मत की बात समझी जाती है। हजारों श्रद्धालुओं में से
चंद ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस शुभ घड़ी के दर्शन होते हैं। श्री बद्री विशाल जी की डोली उठाए अपार भीड़ हनुमान चट्टी होते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ती है। चलो भक्तों बद्रीनाथ खुला मंदिर द्वारा, चलो भक्तों बद्रीनाथ खुला मंदिर द्वारा। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालु श्री बद्री नारायण जी की जय जयकार करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। देवभूमि उत्तरांचल में वैसे तो कई तीर्थ स्थल हैं, परंतु इन सब में बद्रीनाथ धाम का अलग ही महत्व है। हिम प्रदेश का यही सर्वप्रधान धाम है, तभी तो चारों धामों में इसे ही प्रथम एवं प्रमुख माना गया है। सिंधु तट से लगभग 10,350 फीट की ऊंचाई पर नर नारायण पर्वत के मध्य स्थित यह है तीर्थ शिरोमणि बद्री विशाल जी का मंदिर। मंदिर के अंदर बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित बद्रीनाथ जी की दिव्य स्वरूप मूरत के दर्शन होते हैं। बद्री विशाल के दर पे सभी भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। अपार जन समूह अलग अलग जाति के अलग अलग रंग रूप के अलग अलग राज्यों से, लेकिन सबके होठों पर एक ही नाम होता है, श्री बद्री विशाल जी का। सभी के मन में एक ही चाह होती है कि हो दर्शन श्री बद्री विशाल जी के। एक ओर बड़े बड़े महात्माओं तथा सिद्ध पुरुषों की भीड़, तो दूसरी ओर देश के नामी ग्रामी लोगों का तांता। इन सब के साथ साथ आम भक्तों की कतारों को देख इस बात की पुष्टि होती है कि प्रभु के दर पे न कोई छोटा है न ही कोई बड़ा। श्रद्धा के चंद फूल लिए है देखो हरे खड़ा। बद्री नारायण जी की भव्य आरती को देखने नित श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। इस संसार में जन कल्याण के लिए अलग अलग रूप में अलग अलग स्थानों पर भगवान कृष्ण ने अपनी माया रची। भगवान कृष्ण के अनेक धामों में से एक द्वारिका धाम की गिनती विष्णु जी के चार धामों में होती है। क्यों ना हम भी पवित्र द्वारका नगरी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। गुजरात राज्य में स्थित इस धाम तक जाने के लिए रेल सुविधा उपलब्ध है। ब्रज में
अपनी लीलाओं को समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में आकर द्वारकाधीश बने। द्वारिका की गणना केवल चार धामों में ही नहीं अपितु सात पुरियों में भी होती है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए तो समस्त द्वारिका नगरी सागर में विलीन हो गई, केवल भगवान का मंदिर ही रह गया। इसके पश्चात लोगों ने द्वारिका की खोज में वर्षों बिताए। के सुनो पुकार हरिया जाओ एक बार। जिन जिन स्थानों में भक्तों ने द्वारिका का अनुमान लगाया उन सभी स्थानों पर मंदिरों का निर्माण भी करवाया, परंतु जब वास्तविक द्वारिका की प्रतिष्ठा हुई तब बाकी स्थानों को मूल द्वारिका नाम दे दिया गया। यह आठवीं द्वारका है। कहते हैं प्राचीन द्वारकाएं सागर में विलीन हो गई, परंतु इस द्वारका के डूबने का भय अब किसी को भी नहीं रहता, क्योंकि महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जी यही विराजमान हैं। यहां द्वारकाधीश जी को प्रतिदिन मिश्री माखन का भोग लगाया जाता है। द्वारकाधीश जी के नित होने वाले श्रृंगार तथा आरती दर्शनी होती है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ श्रृंगार तथा आरती की बेला में यहां दिखाई पड़ती है। वृंदा अर्थात तुलसी प्रभु को अति प्रिय है, इसीलिए यहां तुलसी की मालाओं को भगवान के समक्ष अर्पित कर लोग स्वयं को धन्य समझते हैं। इस पवित्र द्वारका नगरी में कहते हैं द्वारकाधीश के दर्शनार्थ पैदल यात्रा करने वालों को 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। यहां 56 सीढ़ियों का पवित्र क्षेत्र सभी की श्रद्धा का केंद्र होता है। कहा जाता है प्राचीन काल में श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए इन्हीं 56 सीढ़ियों पर चलकर जाना पड़ता था। इस विशाल मंदिर में आने वाले भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर ध्वजा चढ़ाते हैं। नीले आकाश में श्री द्वारकाधीश जी की लहराती ध्वजा समस्त सृष्टि को भक्तों की आस्था और श्रद्धा का संदेश सुनाती प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि
गोमती में स्नान करने से सभी अमंगल एवं दोषों का निवारण हो जाता है। गोमती जी का दर्शन पूजन करना उत्तम फलदायक होता है। समय के साथ साथ यहां सागर तट पर अनेक मंदिरों का निर्माण होता गया। यह है मूल द्वार का मंदिर, यह है रणछोड़ जी का मंदिर, मंदिर की ऊंचाई लगभग 158 फीट है। यहां भगवान की कंची चतुर्भुजी मूर्ति है। मंदिर के अंदर बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित मूरत के दर्शन होते हैं। भक्तों के प्यारे हरी हरी, अब हम चल पड़े हैं सागर की लहरों के संग बेट द्वारका के दर्शन करने। इसे शंखोद्वार भी कहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका नगरी में रहकर अपनी शासन व्यवस्था देखते थे, जबकि बेट द्वारका उनकी विश्राम स्थली थी। यह है शंख नारायण मंदिर। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात स्वर्ण गौ तुला आदि दान करके भगवान का दर्शन शुभकारी होता है। भगवान विष्णु के चार प्रधान धामों में एक जगन्नाथपुरी, उड़ीसा राज्य में समुद्र तट पर बसा पवित्र धाम जगन्नाथपुरी। समुद्र तट से श्री जगन्नाथ जी का मंदिर मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां तक आने के लिए रेल मार्ग है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इसे उड़ीसा के प्रथम राजा गंगेश्वर जी ने बनवाया था। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समक्ष काफी खुला क्षेत्र है। इसके आसपास पंडों के मकान बने हुए हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर अत्यंत विशाल है। चारों दिशाओं में विशाल द्वार बने हैं, जिनमें पूर्व का द्वार सिंह द्वार कहलाता है। नाभि ऊपर कमल विराजे, कमल के ऊपर ब्रह्मा साजे, चरणन बैठी लक्ष्मी मैया, शेर बीच है शेष किसैया, हे चक्रधारी हे मृदुभाषी, कमल नयन भव सिंधु निवासी, सिंधु निवासी।
सिंह द्वार के सामने एक ही पत्थर से निर्मित अरुण स्तंभ है। इसके ऊपर अरुण की मूरत है। सिंह द्वार से भीतर जाने पर दूसरा परकोटा मिलता है, जिसकी लंबाई 420 फीट और चौड़ाई 315 फीट है। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर चार भागों में विभक्त है, विमान, जगमोहन, नृत्य मंदिर और भोग मंडप। विमान श्री भगवान जगन्नाथ जी के रहने का मुख्य स्थान अर्थात प्रधान मूर्ति यहीं पर है। विमान की ऊंचाई 314 फीट और लंबाई चौड़ाई 80 फीट है। इसके ऊपर नील चक्र है और उस पर ध्वजा है। इस चक्र का व्यास 12 हाथ का है और चक्र तथा ध्वजा के दर्शन काफी दूर से होते हैं। भगवान की प्रधान मूर्ति रत्न बेदी पर है, जिसके ऊपर 6 फीट लंबा सुदर्शन चक्र है। समय समय पर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। इनमें श्वेत वेश, चंदन वेश, दामोदर वेश, बुंद वेश और गणेश वेश प्रमुख है। मंदिर का पट श्रृंगार के पश्चात खुलता है। भगवान का विशेष प्रसाद अर्थात भोग का अत्यंत महत्व है। कहते हैं जगन्नाथ जी का भात खाए जग पसारे हाथ। यहां जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। इस धाम के बारे में ऐसी जनश्रुति है कि गयासुर का वध करने पर अपनी विजय प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने आयुक्त शंख को इस धाम में अवस्थापित किया था। उस समय राजा की तपस्या से प्रसन्न भगवान एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे। राजा की आज्ञा से उन्होंने 3 सप्ताह में श्री नील माधव जी की मूर्ति बनाने का वचन दिया, परंतु बढ़ई रूपी भगवान ने एक शर्त रखी कि जब तक मेरा काम संपन्न न हो जाए कोई भी मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा कहकर बढ़ई ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। इस बीच कमरे के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। विचलित होकर राजा ने बढ़ई की शर्त न मानते हुए कमरे का द्वार खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो बढ़ई अदृश्य हो गया। राजा जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा सामने 3 अधूरी मूर्तियां बनी पड़ी हैं। ये मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलभद्र जी की थी। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के दिन विशाल सजे हुए रथों की शोभा यात्रा निकलती है। नाचते गाते लोग 3 विशालकाय रथों को खींचते हैं। तीनों रथों में 3 मूर्तियों को रखा जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींच अपने कल्याण की कामना करते हैं। इस यात्रा की विशेषता यही होती है कि यात्रा से पूर्व राजा द्वारा मार्ग में झाड़ू लगाया जाता है। जगन्नाथ जी का यह धाम न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों
को भी अपने सौंदर्य से आकर्षित करता रहता है। जय हो महाप्रभु की। शिव के दर्शन को भक्तो रामेश्वर चलो, रामेश्वर चलो, बुलाते हैं हमको परमेश्वर चलो, परमेश्वर चलो। शिव के दर्शन को भक्तो रामेश्वर चलो, रामेश्वर। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम धाम। ये है रामेश्वरम धाम। भगवान राम के नाम से ही इस धाम का नाम रामेश्वरम पड़ा है। इस धाम को दक्षिण भारत का अंतिम छोर भी कह सकते हैं। रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर भगवान भोले शंकर का यह पावन धाम है। रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर। राम तथा शिव के एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ के इस विशाल बरामदे की लंबाई लगभग 4000 फुट है। यहां सागर की लहरों में आक्रोश नहीं पर ज्योतिर्लिंग ही ऐसा है जहां श्रद्धालु शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते। यहां दूर से ही दर्शन करना पड़ता है। रामेश्वर द्वीप लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। कहते हैं मोक्ष धाम काशी की यात्रा रामेश्वरम यात्रा के बिना अधूरी होती है। इस धाम से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। समुद्र तट पर उज्जैनी महाकाली का मंदिर भी है। यह शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक है। यहीं पर कांची कोटी जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी जी का मठ भी है। गंधमादन पर्वत का रामझरो का मंदिर। इस मंदिर में श्री भगवान राम की झांकियों के भी दर्शन होते हैं। दूसरा मंदिर श्री लक्ष्मण जी का है। यहाँ 22 तीर्थ हैं। समुद्र अग्नि तीर्थ कहलाता है। यहाँ पंडे जल से भक्तों को स्नान करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। कहते हैं इस जल से स्नान करने से भक्तों का कल्याण होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस धाम के बारे में यही कहा है, जो रामेश्वरम दर्शन कर ही बिनु प्रयास भवसागर तरही। सच है, इस धाम की यात्रा करने वाले आसानी से भवसागर तर जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में विष्णु जी के बद्री नारायण रूप की, पुरी तथा द्वारका में कृष्ण जी के जगन्नाथ एवं द्वारकाधीश स्वरूप की तथा रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा स्थापित शिव जी की पूजा होती है। वैसे तो भारतवर्ष का कोना कोना तीर्थों से सजा हुआ है, परंतु इन चारों धामों की महिमा जानना तथा इनके साक्षात दर्शन करना अत्यंत कल्याणप्रद होता है। इन तीर्थों की स्थापना भारतवर्ष के चारों दिशाओं में की गई है। प्रत्येक श्रद्धालु के लिए यह आवश्यक होता है कि इन धामों की यात्रा से पूर्व उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां ले लें। ये तीर्थ हमारी आत्मिक तथा बौद्धिक चेतना को जागृत कर हमें परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराते हैं। विष्णु जी के इन चारों धामों को बारंबार नमन करते हुए हम अपनी यात्रा यहीं संपन्न करते हैं। ओम नमो नारायणा।